प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। दीदी कतय गेलिए है? गेलिए रे बच्चा के इसकुल छोड़े ले। दीदी बच्चा के पढ़वे में रुचि राखे छी? हाँ भैया, बच्चा के रुचि राखे छी पढ़वे में। खेती बाड़ी केना चले छे दीदी? आइकाल्हि तऽ से सब्जी के सीजन छे, कोन सा सब्जी लगेलिए? आइकाल्हि भिंडी के सब्जी के सीजन छे, काल्हि भिंडी रोपय ले जेबे, भिंडी के तैयारी केलिए ये खेत। दीदी भिंडी केना लगबे छिए? भैया अगला बार भिंडी लगेलिए लेकिन फल अच्छा नहीं भेले, उपज से कुछ लाभ नहीं भेले। दीदी बीज उपचार क्या के नहीं लगेलिए है? बीज उपचार ककरा कहे छे, हम तो जानबे नहीं करे छे, केना बीज उपचार करबे? चलू दीदी, हम अपना घर तरफ जाए बीज उपचार करे ले, अहाँ के बता दे। आबू दीदी, ओठा अहाँ बैठू, हम सामग्री लैके आबै छी। जाओ बच्चा तुम खेलो। सब सामग्री दीदी लाबि कऽ हिया राखि देलू यऽ। भिंडी के बीज 1 कट्ठामे 200 ग्राम लागै छै। दीदी ई छै सुसुम पानी, 400 ग्राम पानी लागै छै एहिमे। दीदी ई छै प्लास्टिक के डिब्बा, एहिमे जे छै ने बीज फूलै लए देनाइ छै। दीदी ई छै गौमूत्र, 100 ग्राम देनाइ छै। दीदी ई छै विविस्टिन पाउडर, ई 2 चुटकी मिलेनाइ छै। दीदी ई छै 50 ग्राम शक्कर, एकरा बीजमे मिलेनाइ छै। दीदी ई छै पोलोथीन, एकरा जे छै विविस्टिन पाउडर जब बीजमे लगबै तऽ हाथमे लगा कऽ एकरा मिलेनाइ छै। दीदी ई छै सूती कपड़ा, एहिमे बीजके जे छै ने उपचार कए कऽ फुला कऽ बन्हनाइ छै। दीदी ई छै बर्मी कम्पोस्ट, 150 ग्राम छै, ई बीजमे मिलायल जाइ छै। दीदी सबसँ पहिने तऽ प्लास्टिकके डिब्बा लेबै, एहिमे जे छै 400 ग्राम पानि डालबै। दीदी आब तऽ एहिमे 400 ग्राम पानि डालनाइ छै सुसुम। भैया सुसुम पानी कोन चीज लए देल जाइ छै एहिमे? दीदी ई सुसुम पानि देल जाइ छै जे बीज जे सुतल अवस्थामे रहै छै ओकरा जगबैके काम करै छै, आओर बीजके मुँह पर कला कला रहै छै ओकरा हटबैके काम करै छै, एहि लेल सुसुम पानी डालल जाइ छै। दीदी आब एहिमे बीजके डालनाइ छै। दीदी एकरा हिलाके 10 मिनट छोड़ दियौ। भैया हिलैने से की होइ छै? दीदी एहि लेल हिलायल जाइ छै कि जते खराब बीज छै एहिमे सब ऊपर आबि जाइ छै। ठीक है दीदी, देखै छियै जते खराब बीज छै सब ऊपर आबि गेल छै, एकरा की करनाइ छै? छानि के एहिमेसँ निकालि देनाइ छै। दीदी देखै छियै ई जते खराब बीज छै सब ऊपर आबि गेलै, ई छटैया भए गेलै। ई तऽ इतना जमीन के नजायजे करतियै, इतना जमीन में रोपतियै तऽ एहिसँ कुछ लाभ नहि मिलतियै। हाँ दीदी ई सही पौधा नहि अतियै, नहि उगतियै। ठीके छै भैया, ई गौमूत्र छियै दीदी। ई किया डालै छियै भैया गौमूत्र? ई कीटनाशक के काम करै छै दीदी। अच्छा भैया, ठीके छै भैया, समझ गेलियै। दीदी गौमूत्र रहे ओ 100 ग्राम एहिमे डालने रहे डाल देलियौ। दीदी ई 100 ग्राम ई बर्मी कम्पोस्ट देनाइ छै, ई भोजन के काम करै छै। अच्छा दीदी एहिमे 50 ग्राम शक्कर डालना छै। ई शक्कर कथी लए डाललियै एहिमे? शक्कर से की लाभ होइ छै? दीदी शक्कर एहि लेल डालल जाइ छै कि बीज मथी चिपकाबै के काम करै छै। दीदी ई सूती कपड़ा से एकरा ढकि कऽ छायदार जगह मे राखि देने छै 8 घंटा, ई बीज एहिमे फूलतै। दीदी एकरा 8 घंटा आब जे छै छायदार जगह मे रखनाइ छै, 8 घंटा के बाद अहाँ एबै बीज देखबै केना भेलैया।
ठीक छे भैया, 8 घंटा बाद हम अयबै देखै लए। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। 8 घंटा तऽ भए गेलै आब। हाँ दीदी, 8 घंटा तऽ पुरि गेलै, बहुत अच्छे समय, बहुत बढ़िआँ समय पाबि गेलियै। चलू आब आगाँके प्रक्रिया हम बतबै छी। दीदी आब ई बीज फूलि गेल हेतै एहिमे। दीदी आब बीजके छननाइ छै। दीदी ई लोटा छै, एहिके ऊपर सूती कपड़ा राखू। दीदी थोड़ा मदद कए दियौ हमरो। एक पर राखि देलियै, आब एहिमे की करनाइ छै, बीजके छननाइ छै। ओकरा छननाइ छै। दीदी आब एकरा उठा लेनाइ छै, एकर जे सारा पानी छै एकरा गाड़ि देनाइ छै। ई गाड़ि देलियै, आब एहिमे की करनाइ छै दीदी, तऽ विविस्टिन पाउडर मिलेनाइ छै। दीदी आब एहि बीजके पसारि देनाइ छै कि हल्का हवा लागतै, तब एहिमे विविस्टिन पाउडर मिलेनाइ छै। दीदी आब तऽ 5 मिनट भए गेलैए, आब एकरा की करना छै, विविस्टिन पाउडर एहिमे मिलेनाइ छै। तऽ एहिके लेल पहिने विविस्टिन पाउडर। दीदी आब तऽ 5 मिनट भए गेलैए, तऽ आब एहिमे की करना छै हमरा, विविस्टिन पाउडर मिलेनाइ छै। तऽ विविस्टिन पाउडर मिलबैसँ पहिले हमरा की करना छै, तऽ हाथमे पोलोथिन लगेनाइ छै, एहि लए कि जहरीला होइ छै, चमड़ीपर पड़ैके बाद ओ रिएक्शनो कए सकै छै। दीदी आब हमरा पोलोथिन लगेनाइ छै, आब ई पोलोथिन छियै ई, एकरा हमरा हाथमे लगेनाइ छै। ई विविस्टिन पाउडर मिलबैसँ पहिले ई पोलोथिन हाथमे लगेनाइ छै, ताहिके बाद विविस्टिन पाउडर मिलेनाइ छै। दीदी आब ई विविस्टिन पाउडर मिलेनाइ छै, विविस्टिन पाउडर छियै। आब एकरा की करनाइ छै, एक कागज पर विविस्टिन पाउडरके देनाइ छै। दीदी आब एहिमे जे छै एकरा लए लेनाइ छै, 2 चुटकी एहिमे हमरा मिलेनाइ छै। ई लेलियै चुटकीमे, एकरा एहिमे हमरा मिलेनाइ छै। अभी 2 चुटकी हम दए देलियै। आब दीदी एकरा हम एकरा एनाके बढ़िआँसँ हल्का हाथसँ मिला देनाइ छै, ताकि ई सब विविस्टिन पाउडर सगठे मिल जेतै। विविस्टिन किया देलियै भैया जी, देने से की होइ छै? विविस्टिन पाउडर दीदी एहि लेल लेल जाइ छै कि फुफुंदी नाशक चीज छियै, ई फुफुंदी नहि लागै छै एहिमे, ताहिके लेल विविस्टिन पाउडर मिलाएल जाइ छै एहिमे। अच्छा भैया, ठीक। दीदी आब एकरा जे छै 8 घंटाके लिए बांधि के राखि देनाइ छै, ताकि एहिमे अंकुरण आबि जेतै आ सबके मुँह फाटि जेतै। आब एकरा 8 घंटा राखि देनाइ छै छादार जगहमे। धन्यवाद भैया, हमरा भिंडी उपचारके बारेमे जे इतना चीज बतेलियै, एकरा लिए हम बहुत बहुत अपनेके धन्यवाद दै छी। आओर आगाँ जे भी कोई दीदी काम करतै, ओहि सबके हम बतेबै, सिखेबै आओर उपचार कए कऽ भिंडीके खेती करै लए कहबै। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया, हमरा भिंडीके उपचारके बारेमे जे बतेलियै, ई हम बहुत अच्छा ढङ्गसँ सीख गेलियै आओर सब दीदियोके सिखेबै आओर बढ़िआँ खेती करबै। धन्यवाद दीदी, ई जे छै अहाँके भिंडी बीजके उपचार जे करा कऽ देखेलहुँ, अहाँ तऽ सीख गेलियै, दोसरो दीदीके बतेबै आओर
दीदी सबके संदेश देबे ओके साथ अहाँ परिचय देबे। सभी दीदी भैया को प्रणाम। मेरा नाम रानी देवी, मैं सरस्वती जीविका स्वयं सहायता समूह का सदस्य हूँ, स्वराज जीविका महिला ग्राम संगठन का सदस्य हूँ और सहगर पंचायत वन मेरा गांव है, प्रखंड मधेपुरा सदर है, जिला मधेपुरा है। और मैं सभी दीदी को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी भिंडी का खेती करे वो बीज उपचार करके करें और इससे अधिक से अधिक लाभ लें। चला है दीदी चला हो भैया, चला है दीदी चला हो भैया, खेत में भिंडी लगावे है, खेत में भिंडी लगावे है। चला है दीदी चला हो भैया, खेत में भिंडी लगावे है, खेत में भिंडी लगावे है।